अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखो आज हमारे घर एक भूत आ गया। ये भूत है छोटा भूत छोटा भूत छोटा भूत छोटा भूत। अच्छा आप छोटे भूत हो, अच्छा छोटे भूत हो, अच्छा आप छोटे भूत हो, बताओ। चलो भूत भूतन दिखाओ, मामा को भूतन दिखाओ, भूत भूत बन जाओ, भूत भूत आ गया, भूत आ गया। अच्छा तो चलो आपसे बार को कैसे चीज करते हो ताकि वही देखें। ये ना इसकी यहाँ पर ना ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा थोड़ा सा इसका, इसको बस ये छोटी लगती रहती है पूरा दिन ऐसे जो है ना, कभी किधर अपने आप को घुमाटी कर रही हूँ किधर। हाँ जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? तो आज आपको पता है क्या कम हेयर जो नो आपने क्या करना है, आज आपकी क्या ड्यूटी है? मैंने कल आपको क्या कहा था? उतारे मास्क उतारे, मास्क उतारे पहले, आप मास्क उतारे। आप बताएं आपने क्या करना है आज? अपने आपने कपड़ों की ड्रॉर सेट करनी है। सो जी आज का थोड़ा सा एक सबक भी है सब माओ के लिए स्पेशली एंड सब किड्स के लिए कि जो बच्चे बिल्कुल घर में किसी चीज़ को काम को हाथ नहीं लगाते, तो चीज़ों को किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। माई बेचारी जो है वो अलमारियों में कपड़े भी ठक के रख रही हैं, सारे काम भी कर रही हैं। तो जब बच्चे बिल्कुल छोटी अच्छी होते हैं ना तो चलो तब तो माँ का बनता है फर्ज, बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जैसे कि आज माशाल्लाह 8 में चले जाएंगे, इनके फाइनल्स हो गए, तो फिर उसके बाद है कि बड़े बच्चों को ये चीज़ें भी खुद मैनेज करनी आनी चाहिए। तो हम अगर मदर्स बच्चों को सिखाएंगे ना तो फिर ही बच्चे जो है वो सीख पाएंगे और बच्चों को भी जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिन चीज़ों का पता चलेगा। तो आज कैन भी एंड सब भी अपनी अपनी जो है ना क्या करेंगे सर, कपड़ों की अलमारी अपने अपने खानों में अपने कपड़े निकालेंगे। इन्होंने सब क्या किया हुआ है, आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट थिंग। और अता के सारे कपड़े कौन सेट करेगा, अता के कपड़े कौन सेट करेगा? तो ओके जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना इन्होंने अपनी अलमारी बिल्कुल सेट करनी है। बट अभी मैं देखती हूँ कि इससे बाहर सब क्या कर रहे हैं जरा, ये क्योंकि नीचे ये काम से बहुत घबराते हैं और ये नीचे भागे हैं। से बाहर वेयर आर यू बेटे? मैं देखती हूँ, ये बैठे हैं जी स्कूटी लेके बैठे हैं। आपको पता है ना कि आज आपने क्या करना है, अपनी ड्रॉर सेट करनी है। आई एम वेटिंग फॉर यू, कम आफ्टर 5 मिनट्स ओके। चलो तो अता भी हाँ आ गई, अता आ जाओ मेरे पास, आ जाओ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, मैं जा रही हूँ, भगा देगा अतो भगा देगा, अतो आज भगा देगा। चलो आओ चले, आओ चले, चलो मैं जा रही हूँ, मामा जा रही है अंदर, मामा अंदर जा रही है, आ जाओ जी। तो क्यान सबसे पहले अपनी ड्रॉर खाली करेंगे। क्यान ने अपना खाना जो है वो बिल्कुल खाली कर दिया है और इन्होंने ये सारे अपने कपड़े निकाल के रख दिए हैं। और अब ये 1 बाय 1 अपने कपड़े अच्छे से ठपेंगे और फिर क्या करेंगे। ओके जी अपना खाना ये खुद सेट करेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाला जो है ये सबार का है, ये फिर उनकी बारी आएंगी वो करेंगे। ये 1 बाय 1 करेंगे ताकि लड़ाई ना हो, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। और अता जो है यहाँ पर फुल टाइम नीचे गई हैं लॉन में और जाके इन्होंने लेमन तोड़ा है और ये लेमन खा रही हैं। और ये अगर मैं इनसे लेमन ले लूँ तो ये क्या करेंगी, ये जाके आप सबार को मेरी शिकायत भी लगाएंगी और सबार को बोलेंगी माँ मुझे कह रही मुझे लेमन दे दे, मैंने नहीं देना आपको। अब ये सबार को मेरी शिकायत लगा रही हैं, ये देखें सबार को मेरी शिकायत लगा रही है, नाराज़ भी हो गई हैं कि जी मुझसे लेमन क्यों ले ली। लेमन खा रही हैं, दूध नहीं पी रही, लेमन खट्टा खा रही हैं, जिसकी वजह से अता का मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अता आपका गला ख़राब हो जाएगा, अता आपका गला ख़राब हो जाएगा। सो देखते हैं जी के क्यान साहब जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सही से। क्यान आप अपने अच्छे से प्रॉपर सारे कपड़े जो है ना, आपने पैंट्स जो हैं उनको आपने अच्छे तरीके से अलग करके एक जगह पे रखना है, शर्ट्स को एक जगह पे रखना है, जैकेट्स को एक जगह पे रखना है, ठीक है। और आपकी जो ड्रॉर जब भी आप कपड़े निकालते हैं ना तो ऐसे निकाला करें ताकि उनकी प्रेस ना ख़राब हो, ठीक है, ताकि आपको फिर बहुत जल्दी जल्दी दोबारा से अपनी ड्रॉर ठीक ना करनी पड़े। वंस इन अ वीक मैं आपकी देखूंगी अलमारी, चेक करूंगी, आपकी अलमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होनी चाहिए। ये देखें जी ये अपने सारे ट्राउज़र पैंट शर्ट्स जो हैं, पैंट्स और ट्राउज़र्स एक जगह पे कर रहे हैं और क्या नाम है शर्ट्स ये एक जगह पे करेंगे। तो ये जब कर लें तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने किस तरीके से अपनी ड्रॉर सेट की है। ओके अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अच्छा तो जी अता का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हुआ है, तो इन्होंने सारे कपड़े जो हैं उनको ठप लिए। उठें क्यान उठें, उठ के अपनी उस पर लगाएं, जल्दी करें। तो ये इनके सारी ट्राउज़र्स हैं ये एक तरफ करेंगे लगाएंगे। और अता जो है इनके ख़राब कर रही हैं आके और अता जो है आज बहुत सेंसिटिव हुई हैं और वो रो भी रही हैं। तो ये शर्ट्स इन्होंने एक जगह पे लगा दी हैं, जैकेट्स लगा दी हैं। अच्छा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मतलब कि ये वीडियो ना आप लोग बच्चों को दिखाएं ताकि जो बच्चे हैं ना वो देख के ज़रा ज़्यादा चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। बेटे सही से लगाएं, ये आपने सही से नहीं किया। और अब जब भी आप अपनी चीज़ें उठाएंगे तो आपने ऐसे उठानी है कि बाकी जो हैं वो ख़राब ना हो कपड़े। तो ये चीज़ क्यान ने अपने कपड़े जो हैं वो सेट कर लिए हैं, ये आगे सारी जैकेट्स रखी हैं, इधर इन्होंने अपने ग्लव्स वेस्ट वगैरह रखी हैं, और पीछे सबसे ये जैकेट जो है इसके पीछे इन्होंने ये सारे पैंट्स वगैरह रखी हैं, और ये आगे इनके सारी जैकेट्स पड़ी हुई हैं। तो अब सबार की बारी है, सबार आएंगे और वो अपने कपड़ों को सेट करेंगे। तो इसी तरह बच्चों को जो है ना सिखाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी ड्रॉर्स और अपने कपड़े, अपनी अलमारियाँ, अपनी चीज़ें खुद सेट करें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स की तब तक ही होती है जब तक बच्चे को समझ नहीं आ रही होती, बच्चा खुद नहीं कर सकता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब जाहिर सी बात है अब ये 8 क्लास में जाएंगे तो अब इनको इनकी मैं छुट्टियाँ हैं, क्योंकि तो मैं छुट्टियों में मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें मैं सिखाऊं और बताऊं कि बच्चों आपने अपने ये काम खुद करने हैं, ताकि सम टाइम होता है कि मदर्स जी बीमार भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी काम भी होता है तो नहीं कर पाती, तो एटलीस्ट बच्चे जो हैं हेल्पिंग हैंड बने। तो एज़ के अता जो है वो भी बहुत छोटी हैं तो उनके तो ऑब्वियसली मुझे ही करने हैं ना सारे काम अता के, बट ये है कि अता को भी समझ नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो छोटी हैं, वो मुझ पे डिपेंडेंट है, तो इनका तो बनता है कि चलो मैं करूं, बट जो बड़े बच्चे हैं उनको खुद करना चाहिए। तो ये यहाँ पर टीवी वॉच कर रहे हैं, तो अभी मैं ज़रा सबार को कहती हूँ कि सबार आप उठें। सबार नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज़ बेटे स्टैंड अप। नो बेटे नो, 1 मिनट, प्लीज़ स्टैंड अप बेटे। तो जी यहाँ पर सबार भी आ चुके हैं और सबार अब अपने कपड़ों की क्या करेंगे, ठपाई करेंगे, ठपाई। अब सबार की बारी है, ये अपना खाना सेट करेंगे, और अता का तो जो है वो मामा ने सेट करके रखा होता है ना, है ना था, है ना। अब ये सबार के जो हैं वो कपड़े जो हैं वो सारे इनके यूनिफॉर्म वगैरह तो खैर मैंने वॉश करके सारे साइड पे कर दिए थे, तो ये इनके डेली रूटीन में पहनने वाले या बाहर पहन के जाने वाले जैसे होते हैं ये कपड़े हैं। तो अब सबार माशाल्लाह से अपने कपड़े ठपेंगे एंड आई विल मेक द वीडियो ऑफ सबार। सबार आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, हम मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फिर जब जैसे ये करेंगे ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कैसे अपना काम किया है। तो आज इन्होंने और क्या ने अपने माशाल्लाह से कपड़े सेट किए हैं। तो ये सब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे देखें और बच्चे भी सीखें, और सब बच्चे जो हैं अपनी माँ को तंग ना करें, जो बड़े बच्चे हैं वो अपने काम खुद करना सीखें। ओके, तो सबार ने अपने कपड़े जो हैं, अच्छा था आ रही हूँ, सबार ने अपने जो कपड़े हैं वो ठप दिए हैं तकरीबन, बट ये क्या कर रहे हैं कि पीछे जो इनका है सारा एम्प्टी है और इन्होंने आगे पहले रखे हैं, और इनके कपड़े आप देखें इन्होंने माशाल्लाह कितने अच्छे ठप के रखे हैं। तो बाकी ये पूरे ठप के दिखाते हैं, अभी ये इनके थोड़े से रह गए हैं। तो हाँ जी था, आप क्या कह रहे हो, मुझे ये मुझे बुलाती है कि मेरे पास आओ, ये देखिए मुझे कहाँ लेके जा रही है, ये मुझे लेके जा रही है यहाँ पर। ओके, ये इसकी अलमारी है और यहाँ पर अता की ये ढेरों चीज़ें पड़ी होती हैं, एंड शी नोज़ के जो इसके ये चीज़ें होती हैं ये मुझे यहाँ बुला के इस वजह से लाती है कि मामा जो है मुझे कोई ना कोई चीज़ दें, है ना अता। ओके ओके, चलो चलो सबार आप इधर क्यों आए, गाड़ी भी है, हाँ गाड़ी भी है, चलें बेटे जल्दी से अपने कपड़े क्लियर करें। और हैं हाँ, आपने अपने कपड़ों की अलमारी आपने सेट की, आपके कपड़े एंड गिफ्ट मैंने देना है। आपने क्या हुलिया बनाया हुआ भाईजान, इसको ये खोल दे, जल्दी खोल दे, चल शाबाश। आपको भी चीज़ दूँ काशिफ, आपने भी खाना है। सबार क्या खाना है, बादामी, ओके ये लो, ये लो काशिफ आप भी ले लो, जिसको खोल के दो फिर आप भी ले लो, ठीक है ये लो, चलो बैठ के कार्टून देखो। ओके सबार आप प्लीज़ जल्दी से जाके अपनी अलमारी सेट करें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी करें। नो आई विल नॉट इट, चलो आप बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो क्यान को मैंने घुसाया हुआ है, वो वुज़ू कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। जी बच्चों को नमाज़ की आदत भी डालनी चाहिए, बच्चे जो हैं जैसे ही बड़े हो रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है 14 साल के बच्चे की जो है वो बॉय पर नमाज़ फ़र्ज़ होती है, तो क्यान क्योंकि अभी तो 12 साल के हो जाएंगे मई में। तो मैंने बस फिर भी जो है ना इनको कहते हैं कि बच्चे को 2-3 साल पहले स्टार्ट करवा देनी चाहिए ताकि बच्चे की आदत बन जाए। तो क्यान जो है अभी नमाज़ पढ़ेंगे और शाम का वक्त होने वाला है। मौसम देखें जी मुल्तान का बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो अब ये ज़रा क्यान से बाहर अपनी अलमारी सेट कर लेना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा तो अच्छा सबार ने ना माशाल्लाह से एज़ कम्पेयर टू क्यान मुझे सबार की ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा अच्छी अपनी ड्रॉर सेट की है। बिकॉज़ ये देखें ये सबार का खाना है और ये क्यान का खाना है। तो क्यान ने जैकेट्स चीज़ें आगे रख दी हैं और बाकी चीज़ें पीछे रख दी हैं और ये सबार ने सेट किया है। तो सबार का खाना आलमोस्ट डन हो चुका है और अता मुझे दोबारा कह रही है मेरे पास आएँ, मेरे पीछे आएँ और दोबारा ये मुझे कहेंगी मुझे कोई ना कोई चीज़ दें। तो क्यान कह रही हूँ सबार डन ओके जी। ये जी सबार ने कर दिया। सबार अब आपने जब भी कपड़े निकाले ऐसे निकालना कि ये ख़राब ना हो। एटलीस्ट 10 डेज़ तो आपकी सही रहनी चाहिए। ओके ओके। तो ये क्यान साहब जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं और अभी ये नमाज़ पढ़ के हाँ जी वेस्ट रह गई हैं। और ये अता मुझे कुछ फिर कह रही हैं जी मेरे पीछे आएँ और फिर इनका मुझसे कोई काम पड़ गया बहुत ज़रूरी। ये अगेन ये देखें ये अलमारी खोलती हैं और ये मुझे बोलती हैं कि जी मुझे कुछ निकाल के दें। अब मैं इनको लॉलीपॉप दूँगी ताकि जो ये मुझे अब दोबारा फ़ौरन ना बोलें है ना। ये लें चलें से बाहर आप इनको लॉलीपॉप खोल के दें और आप बादामी इंजॉय करें। वो काशिफ़ को बोल रही है कि काशिफ़ आप मुझे काशिफ़ इसको खोल के दे दो बेटे। ओके 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 चलो जी अब देखते हैं। वेरी गुड एक्सीलेंट। ये जी नीचे वाला ये जो है ये क्यान का है, ये ऊपर वाला सबार का है। आज इन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है। तो चलें जी सब जो हैं अपनी जो बच्चे हैं अपनी अपनी अलमारियाँ ख़ुद सेट किया करें, अपनी मामा को तंग मत किया करें। और यही आज का ये लेसन भी है इस वीडियो में कि बच्चों को ख़ुद से काम करने आने चाहिए। वो उनको अपनी मदर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सम टाइम मदर्स बीमार भी हो जाती हैं। और ये तोता जी यहाँ पर बैठा, ये तोती है तो तोता भी आया था, वो 2 दिन ही ज़िंदा रहा और वो फिर मर गया। और ये अता ने उसके पर जो हैं वो तोड़ दिए थे है ना था। चलें वीडियो को अब करते हैं हम एंड। वीडियो हो रही है लंबी। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन। अता से बाय बाय। अता से बाय बाय। अता ने आज स्पाइक्स बनाई हुई हैं, अता फुल बॉय की लुक में आई हुई हैं। ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड जो मेरे चैनल में नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करे। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अता अल्लाह हाफिज़।